बाली विवेक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों का विदाई समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की पूजा अर्चना व वंदना के साथ किया गया। 12वीं के विद्यार्थियों को तिलक लगाकर व कलम भेंट करके विदाई दी गई। इस दौरान बहुत से विद्यार्थियों की आंखें नम हो गई। व्यवस्थापिका मंजू राव ने विद्यार्थियों को कहा कि चाहे हम शिक्षा में कितने ही आगे क्यों न हो जाए, भारतीय संस्कृति और अपने संस्कारों को जीवन में कभी नहीं भूलना है। अंग्रेजी माध्यम व्यवस्थापिका शीतल राव ने कहा कि आज इस विद्यालय से जरूर विदाई ले, लेकिन जीवन में कुछ न कुछ बनकर वापस इस विद्यालय में जरूर आए, जीवन में विद्यालय से जरूर जुड़े रहे। प्रधानाचार्य सुमेर सिंह सोनीगरा ने सभी विद्यार्थियों को जीवन में मेहनत करते हुए उच्च मुकाम हासिल करने को कहा। व्याख्याता अल्फाज अली ने बताया कि स्कूली शिक्षा में हमने जो भी कुछ किया, आप सभी को देश के भविष्य के लिए एक अच्छे मनुष्य के रूप में आकार देने की एक प्रक्रिया थी। इस अवसर पर निदेशक देवी सिंह राव, गणपत मारू, सरफराज सैयद, राजेश राव, मोहम्मद रियाज, वीरेंद्र सिंह, महेंद्र मैंशन, जवान सिंह, छगनलाल मारू, ताहिर अली, विक्रम सरेल, दिलीप बावल, विक्रम सरेल, रितेश त्रिवेदी, चन्नीलाल, नीतू कुमावत, कुसुम वैष्णव, विनोद पालीवाल, जितेंद्र कुमार सहित शिक्षक मौजूद थे। विवेक स्कूल में विदाई समारोह के आयोजन पर मां सरस्वती की पूजा करते हुए व्यवस्थापिका मंजू राव विवेक स्कूल में विदाई समारोह के आयोजन पर उपस्थित रहे शिक्षण व विद्यार्थी।